नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने खजुराहो घूमा, मंदिर घूमे, अब हम सभी मित्रों को भूख लगी है तो हम चलते हैं यहाँ की प्रसिद्ध रेस्टोरेंट गुरु कृपा में। हमारे सभी मित्र भी जाएंगे और वहाँ के भोजन का मजा लेंगे। हमारे ठाकुर जी और राघवेंद्र जी, अर्पित जी और अमित जी, आज आए हुए हम लोग गुरु कृपा रेस्टोरेंट खजुराहो। आज यहाँ के खजुराहो के जायके का स्वाद का, यहाँ की रोटी क्या टेस्ट है, यहाँ का क्या अंदाज है। हमारे अमित जी ने बैगन निजामी डिश, जो यहाँ की सब्जी की वेजिटेबल की डिश है, उसको ऑर्डर किया है। आज हम सभी पाँचों मिलकर बैगन निजामी सब्जी का आनंद लेंगे और खाएंगे। तो चलते हैं और यहाँ पर गुरु कृपा रेस्टोरेंट के भोजन का आनंद लेते हैं। अमित जी, आप खजुराहो आए, पहली बार खजुराहो बुंदेलखंड में आना हुआ, आप क्या बोलेंगे? आपने इतने सारे मंदिर देखे, मतंगेश्वर देखे और यहाँ पर गुरु कृपा में भोजन किया, आप क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप इसके इस आपकी विजिट पर? और हम लोग यहाँ गए, यहाँ का खाना बहुत फेमस, आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर कोई पूछे पांच में से कितने नंबर हो गए, तो पांच में पांच होगा खाने के बाद। स्पेशली यहाँ का बैगन निजामी बहुत, आप लोग भी अगर आते हैं यहाँ पे तो एक्सपेक्टेस कीजिए बैगन निजामी का गुरु कृपा भोजनालय पे। धन्यवाद अमित जी, आप खजुराहो आए, आपके साथ हम सभी का घूमना हुआ, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, खाने का एंजॉय किया, घूमने का एंजॉय किया। अब जब भी छतरपुर आए, आपकी विजिट हो, अब जरूर खजुराहो आए और छतरपुर में हम सभी को लोगों के साथ ठाकुर जी और राघवेंद्र जी और अर्पित जी का साथ जरूर हमारे साथ रहे। बहुत ही अच्छा प्रमोट किया है टूरिज्म को, अगर आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो यहाँ का टूरिज्म बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। मेरे को काफी टाइम हो गया छतरपुर में रहते हुए, मेरा चौथा विजिट था। खजुराहो का बहुत अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट के लिए बहुत बेस्ट है और अच्छा लगा, मतलब प्राचीन से जुड़ा हुआ स्थल है हम लोगों का, अच्छा बहुत बेस्ट लगा। खाना भी यहाँ का गुरु कृपा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी मिला, खाने को बहुत टेस्टी खाना भी था और हमारे ठाकुर सर थे साथ में, इनके साथ बड़ा एंजॉय किया है। खजुराहो के मंदिर बहुत मज़े लिए, ठीक हो तो ओके, अच्छा मतलब बहुत बेस्ट लगा और हमारे ठाकुर सर भी बहुत बेस्ट हैं, यहाँ गौरव सर भी अच्छे हैं, बड़ा एंजॉय, मतलब संडे का बहुत अच्छा बेस्ट एंजॉय हुआ आज। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपके साथ हमको खजुराहो आना हुआ, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। सभी को नमस्कार, अचानक हमारा प्रोग्राम बना यहाँ पे आज आने का खजुराहो, और यहाँ पे सबसे पहले हमने मतंगेश्वर महाराज भगवान के दर्शन किए, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नंदी मंदिर, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पांडे जी, आपका खजुराहो आना कैसे हुआ? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, आज हमारे साथ ठाकुर जी, राघवेंद्र जी, अर्पित जी और अमित जी का खजुराहो जाना हुआ, बहुत इंजॉय किया, मजा आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने खजुराहो में मतंगेश्वर भगवान के दर्शन किए, उसके बाद हम आड़ू बाले बाबा मतंग धूना खजुराहो के दर्शन किए, फिर लक्ष्मण मंदिर, कांधारी मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। और आपको बताना चाहते हैं, जो मंदिर हमने दर्शन किए हैं वो चंदेलकालीन मंदिर हैं, जो करीब 10वीं शताब्दी में बनाए गए, जिनकी नक्काशी अगर आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबाना ना भूलेंगे। दोस्तों आज के इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी कोई भी खजुराहो जैसे मंदिर नहीं बना सकता। आज बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया,
इसी प्रकार सभी मित्रों का साथ मिलता रहे। इसी आशा के साथ आप सभी बने रहे मेरे YouTube चैनल गौरव पांडे ब्लॉग्स पर। जय श्री राम, जय मक्तंगेश्वर धाम, जय जय श्री सीताराम महाराज, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय महाकाल।